तो वही बॉर्डर पर भी हमारे जवान अपने जलवे दिखाते हैं, बीटिंग रिट्रीट। और सबसे खास बात की गणतंत्र दिवस के बारे में लोग सोचते होंगे सिर्फ एक दिन का पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। 29 तारीख तक ये चलेगा, 29 तारीख को पूरी तरीके से ये पर्व कंप्लीट माना जाता है और उस दिन भी बीटिंग रिट्रीट होती है और गजब का कॉम्पिटिशन होता है बैंड्स के बीच में। वो उत्साह, वो धुने सबको रोमांचित कर जाती हैं। तो 29 तारीख की झलक भी बहुत खास होने वाली है, लेकिन फिलहाल आज देखिए कि आज हम आपको दिखाते रहते कि जिले जिले में कार्यक्रम होते हैं जिला स्तरीय, जहां पर मंत्री जो जिम्मेदार होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं, लोगों को सम्मानित करते हैं और राज्य स्तरीय कार्यक्रम। और सबसे बड़ी बात अगर हम राजस्थान को देखें, जयपुर खासतौर पर बड़ी चौपड़ का कार्यक्रम वो बहुत खास होता है। एक तरफ कांग्रेसी आते हैं ध्वजारोहण करते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद शाम होते होते राजभवन में एकजुट होकर के इस जश्न को मनाते हैं। और गणतंत्र की इन तस्वीरों को देखकर, इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर, इस सियासी डिफरेंसेस के बाद भी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बैठने को देखकर शायद दुश्मन भी हाथ मसलते होंगे। और राजपथ पर हमने एक बार फिर से उसका मुजाहिरा किया जब चिनूक, अपाचे, तेजस, यहां तक कि राफेल का मॉडल भी दिखाया गया। अद्भुत हैं ये तस्वीरें, इनके अर्थ को अगर आप समझेंगे तो आपको ये साधारण आम तस्वीरें नहीं लगेंगी कि बस राजनेता बैठे हैं, लेकिन राजनेता क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो बहुत गूढ़ है, बहुत विस्तृत है। और महिला शक्ति को भी आप देखिए, महिला शक्ति को सम्मान नमन किया गया, आज कई महिलाओं को सम्मानित किया गया, खासतौर पर वो वीरांगनाएं जिन्होंने देश की खातिर अपने सुहाग को कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते माथे का सिंदूर मिटा दिया। तो जन गण मन की भावना उसको दर्शाता ये गणतंत्र दिवस। 1950 के बाद संविधान में कई संशोधन भी किए गए और देखिए कितना फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान, जिसमें संविधान संशोधन का भी जिक्र दिया गया है कि अगर आगे जाके वक्त के हिसाब से इसमें संशोधन की जरूरत हो वो संशोधन भी किया जा सके। उतना ही सुदृढ़, उतना ही लचीलापन, यही खूबसूरती। तमाम अधिकारी पहुंच रहे हैं, अलग अलग फील्ड के लोग पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और देखिए शशि थरूर और वसुंधरा राजे के बीच में एक बहुत देर से बातचीत चल रही, गुफ्तगू। अमूमन ऐसा होता नहीं, एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़ते नजर आते हैं राजनेता, लेकिन जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो बकायदा उसकी गरिमा को समझते हैं, अपने फर्ज को समझते हैं और ऐसी गुफ्तगू की तस्वीरें सामने आ जाती है। कल अगर आप देखेंगे कल के अखबार में ये तस्वीर सबसे पहले नजर आएगी और एक छोटा सा बच्चा सूत की माला पहनाता हुआ राज्यपाल को उनका आशीर्वाद लेता हुआ। अभिवादन का सिलसिला जारी है। कहते हैं कि जब कोई पर्व होता है तो बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है उसका आशीर्वाद लिया जाता है और राज्य के लिहाज से सबसे बड़े राज्यपाल हैं, इसलिए उनकी तरफ से ये भेंट इस परंपरा के रूप में दी जाती है, लोगों को इन्वाइट किया जाता है, स्वल्पाहार पर लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और बहुत देर से सिलसिला जारी है, लोग आते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मुलाकात का ये सिलसिला बहुत लंबा चलने वाला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी काशी जुड़ गए। काशी, बहुत देर से ये सिलसिला जारी है और कितनी देर तक जारी रहेगा? जिसमें देखिए ये जो आयोजन है शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा, एक घंटे का पूरा कार्यक्रम होता है। शाम 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ है और उसके बाद एक घंटे का रहेगा। अब बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जैसे कि आपने देखा थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंची, वो राज्यपाल महोदय से मिली और गणतंत्र की जो परंपरा है उसको निभाया। यहाँ पर जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरोक्रेसी के,
हम बात करें तो मुख्य सचिव डीबी गुप्ता हैं, डीजीपी गोविंद सिंह हैं, डीजी आलोक त्रिपाठी जो कि एसीबी संभालते हैं वो मौजूद हैं, और एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह, एसीएस फाइनेंस निरंजन आर्य, एसीएस होम राजीव स्वरूप समेत जो तमाम अधिकारी हैं वो सभी ब्यूरोक्रेसी के यहाँ पर मौजूद हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शिक्षा जगत से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चिकित्सा जगत से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कला और संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया वो भी यहाँ पहुंचे हैं, साथ में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक परनामी, जयपुर सांसद रामचरण बोरा, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी समेत जो तमाम नेता हैं भाजपा से जुड़े वो भी इस बार पहुंचे हैं। और ऐसा आमतौर पर पिछले आयोजनों में नहीं होता था बिल्कुल कि प्रतिपक्ष के जो नेता हैं वो पहुंचते हों, जैसे पिछली बार जब आयोजन हुआ था तब ये जो नेता हैं भाजपा से जुड़े वो नहीं पहुंचे थे कई नेता, लेकिन इस बार ऐसा पहुंचे हैं। और इसे खासतौर पर ये माना जाएगा कि राज्यपाल कलराज मिश्र हैं जो कि समय समय पर भाजपा के नेताओं को भी बुलाते रहते हैं और कांग्रेस के लोगों से भी मिलते रहते हैं, तो दोनों तरफ से वो बैलेंस बनाकर रखते हैं और यही एक सच्चे गणतंत्र की पहचान है, तो उसे वो कायम रखते हैं और इसी वजह से जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे आपसे काशी कि अब कुछ देर बाद ये भेंट मुलाकात का सिलसिला जब थमेगा तो ऑब्वियसली कि नाश्ते की बारी आएगी, वो स्वल्पाहार, तो उसके मेन्यू के बारे में कुछ जानकारी क्या आपको मिली है? जी, क्योंकि जो स्वल्पाहार का कार्यक्रम है ये लगातार सुचारू है, शाम 4:30 बजे से ही लोग मिल भी रहे हैं आपस में और अल्पाहार भी ले रहे हैं। अच्छा। और थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तब राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय ने भी स्वल्पाहार लिया था, और इस दौरान यहाँ पर देखिए गरम गरम समोसे हैं, गाजर का हलवा है, जलेबियां हैं, गुलाब जामुन है, बहुत सारे स्थान हैं जो कि यहाँ पर अतिथियों के लिए रखे गए हैं। और राज्यपाल महोदय ने जो आर्मी बैंड है उनको पुरस्कृत भी किया है। अच्छा। जो कि 11,000 रुपए का पुरस्कार उनको दिया गया है। सेंट्रल बैंड जो है पुलिस का उसको भी 11,000 रुपए से सम्मानित किया है, और साथ में जो RAC का बैंड है यानी तीनों बैंड को यहाँ पर 11,000 रुपए नकद देकर सम्मानित किया गया है राज्यपाल द्वारा। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए 2,000 से आसपास लोगों के पहुंचने की ऐसी संभावना जताई जा रही है यहाँ पर पहुंचे, चाहे ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग हों या समाज सेवा से जुड़े हुए लोग, सभी वर्गों से लोग। अच्छा, ये जो कार्यक्रम एट होम का होता है, क्या इसके सही मूल्य को, इसके सही सार को लोग जानते हैं? कुछ लोगों से क्या आपकी बात हुई कि इस कार्यक्रम के पीछे की असली वजह क्या है? देखिए लोगों यहाँ पर जो पहुंचे हैं वो सभी आपस में मिलने जुलने का उनका सिलसिला जारी है, गणतंत्र दिवस को लेकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं लोग। और जो मुख्य धारा की बात कहें हम कि किस वजह से ये आयोजन शुरू हुआ, तो ये परंपरा राजभवन के जो अधिकारी बताते हैं कि लोगों को गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी देने और एक स्वल्पाहार कराने की जो परंपरा थी वो इसी वजह से शुरू की गई थी ताकि राज्यपाल लोगों से मिल सके, और कम से कम साल में 2 बार जब ये आयोजन होता है तो लोगों से संवाद उनका हो सके। और इसमें देखिए ना उनकी सुरक्षा आड़े आती है ना ही कोई दूसरे लोग आड़े आते हैं और सीधे संवाद करते हैं। अच्छा, काशी एक एक जो बात, क्या नेता प्रतिपक्ष है वहाँ पर? क्योंकि अभी जब आए थे तो यहाँ पर पूर्व CM आई दिखाई दी तस्वीरों में, और सतीश पूनिया दिखाई दिए, कालीचरण सराफ दिखाई दिए, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे वहाँ पर? अभी तक हमें नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जरूर नहीं दिखाई दिए। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष भी अभी तक नहीं दिखे हैं। हाँ। लेकिन मौजूदा जो नेतृत्व तो है सतीश पूनिया जिसको संभालते हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नहीं अमूमन, और क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष का मेल कराने के लिए कार्यक्रम होता है, इसका जो मूल सार है, तो नेता प्रतिपक्ष का होना शायद सबको जरूर यहाँ पर स्वाभाविक लग रहा होगा, तो कुछ खास वजह कि वो नहीं पहुंचे अब तक? देखिए इस बारे में भाजपा के लोगों से अगर बात हो पाएगी तो हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे, हालांकि अभी तक इस बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिली है और ना ही वो दिखाई दिए हैं, तो कंफर्म अभी तक नहीं किया जा सकता कि वो नहीं पहुंचे हैं। अच्छा। लेकिन अभी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हुए हैं, 2,000 से ज्यादा लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो उसमें अभी तक हमें वो नहीं दिखे हैं, तो इस वजह से हम कंफर्म रूप से नहीं कह सकते कि वो नहीं पहुंचे, लेकिन संभावना ये भी है कि हो सकता है पहुंचे हों। हालांकि अभी तक जो हमारा कैमरा लगा हुआ है जिसकी नजर में सारे प्रमुख लोग आ रहे हैं, तो उनमें अभी तक नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, कैमरे की नजर से आप देखिए तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर काशी दिखाई दे रही है, जो एंगल आप दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ वसुंधरा राजे शशि थरूर के बीच में एक लंबी गुफ्तगू देखी हमने, हंसी ठठोली देखी, तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये अनौपचारिक एक माहौल रहता है यहाँ पर, ना कोई किसी की राजनीति को लेकर बात करता है, ना ही एक तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं जब यहाँ पर CAA NRC को लेकर इतना बवाल खड़ा हुआ है काशी।
जी बिल्कुल, देखिए सीए एनआरसी को लेकर बवाल खड़ा हुआ है और शशि थरूर ने भी ये कहा था कि राज्य इस कानून को लागू होने से रोक नहीं सकते। वो एक तरह से जो बयान था वो भाजपा के पक्ष में ही था। और हालांकि शशि थरूर बीच बीच में ऐसा माने जाते हैं कि पीएम मोदी को सपोर्ट करते हैं, ऐसा बयानों से, उनके बयानों से कई बार ऐसा जाहिर होता है, लेकिन चूंकि कांग्रेस के नेता हैं, वो मुख्यमंत्री से यहाँ मिले हैं, राज्यपाल महोदय से मिले हैं और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी उनकी जो बातचीत है वो जारी है। तो ये जो नजारे हैं कहीं ना कहीं ये भी दर्शाते हैं कि राजनीति दल से अलग हटकर एक दूसरे से कितना इनका आपसी अच्छा व्यवहार होता है उसको ये दिखाते हैं। चलिए काशी, आप हमारे साथ बने रहिए, तो ये तस्वीरें हम आगे भी दिखाते रहेंगे क्योंकि ये तस्वीरें गणतंत्र के मूल सार को समझाती हैं। अब एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपको एटोम की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि राज्यपाल कलराज मिश्र के आवास पर दी गई हैं। राजभवन में ये कार्यक्रम है जिसमें स्वल्पाहार है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, जनप्रतिनिधि, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, सेना, समाज सेवी और विभिन्न वर्गों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो राज्यपाल बनने के बाद कलराज मिश्र का पहला एट होम ये है जिसमें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी देर से यहां पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। करीब 2000 लोग यहां पर अब तक अनुमानित है आंकड़े की, 2000 लोग इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी आप देख सकते हैं, शशि थरूर के बगल में बैठी है, दो कांग्रेसी नेताओं के बीच में बीजेपी के दिग्गज नेता। और राज्यपाल सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और लजीज स्वल्पाहार का भी इंतजाम यहां पर किया गया है, गर्मा गर्म समोसे हैं, गुलाब जामुन है, हलवा है और ये गर्मा गर्म पकवान रिश्तों में गर्माहट और मिठास को भी दर्शाते हैं क्योंकि जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष समानांतर बेहतर रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक किसी प्रदेश और देश का विकास संभव नहीं है। और मुख्यमंत्री को अगर आप देखेंगे तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर उपस्थित हैं, इतनी देर से बैठे हैं और थोड़ी सी थकान उनके चेहरे पर दिख भी रही है लेकिन ये डेडिकेशन कहते हैं कि डेडिकेशन है ये उनका कि तबीयत नासाज होने के बावजूद वो यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए। तो अलग अलग क्षेत्र के गणमान्य लोग, सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और करीब एक घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया और कुछ देर बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।